सिचुएशन खराब है और खराब नहीं है, भयावह है। लोगों के आंसू थम नहीं रहे हैं। लोगों के अगर आंसू थम नहीं रहे हैं तो सरकारें कैसे चैन से बैठ सकती है? जी, जब मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगाओ, ऑक्सीजन जारी हो और पता लग रहा हो कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, उसको मैम संयम और कामनेस का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता है। मुझे बताइए ना, कब कब ये समस्या खत्म होगी? हम कर जाएंगे, हम दिखा देंगे, हो जाएगा। अरे क्यों अब तक नहीं हो रहा है? साल भर हो गया है गौरव भाटिया। देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और ऐसे में देश में कुछ जगहों पर ऑक्सीजन की कमी भी देखी जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की कमी को लेकर फटकार लगाई है। इस मुद्दे पर गोदी मीडिया के चैनलों पर डिबेट भी देखने को मिली और सवाल भी बीजेपी के नेताओं से होते दिखे। आज इस वीडियो में चर्चा उन्हीं डिबेट्स की करेंगे। जी न्यूज पर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अमन चोपड़ा ने बीजेपी नेता से इस मुद्दे पर सवाल किए, जिस पर नेता ने सरकार की तैयारियों का जिक्र किया, जिसके बाद एंकर ने उन्हें रोका और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने को लेकर सवाल किए। ऑक्सीजन की कमी किसकी नाकामी भाई? आज ये दिन हमको क्यों देखना पड़ रहा है? अपराजिता सरंगी भारतीय जनता पार्टी से है। अपराजिता जी, किसकी नाकामी? जो राज्य प्रशासन के पास कंट्रोल रूम है 24/7 काम कर रहा है और सब लोग लगे हुए, सब लोग चाहते हैं लोगों को राहत मिले। मैं कह दूं कि मैं आपको बता दूं, मुझे आप बोलने दें। देखिए, घबराहट से नहीं कुछ होगा। नीति प्रणयन करनी चाहिए, जो नीति प्रणयन कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है और उसका कार्यान्वयन। लेकिन जब ऑक्सीजन मास्क लगाओ ना और जब पता लग रहा हो कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली हो ना, उसको ये कामनेस का पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं ना हम? अपराजिता जी, जब मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगाओ, ऑक्सीजन जारी हो और पता लग रहा हो कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, उसको मैम संयम और कामनेस का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसमें ये हमारी चूक है, ये सिस्टम की चूक है अपराजिता जी, कि हम कहां खड़े हैं। न्यूज 18 पर भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर हुए डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता से सवाल किए, जिस पर नेता विपक्ष की आलोचना करते दिखे, पर एंकर ने उन्हें ऐसा करने पर टोका और सरकार की तैयारियों पर जवाब देने को कहा। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि केंद्र के इंटरवेंशन के बाद सिचुएशन कंफ्यूज हो गई है ऑक्सीजन के संदर्भ में? अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया, पत्रकारों ने कहा क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और बेड है? उन्होंने खुद कहा है और आज वो कह रहे हैं शॉर्टेज है। तो बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जो दर्शक आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, कि ऑक्सीजन की किल्लत हम नहीं होने देंगे। हमारे देश के फेफड़े मजबूत है, नेतृत्व मजबूत है, हर नागरिक को। लेकिन गौरव आप ये कह रहे हैं हम ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने देंगे, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है गौरव। हम इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब भी किल्लत है, तब भी किल्लत है। मैं आपको अस्पतालों के नाम बता देता हूँ। एक्शन बालाजी अस्पताल पश्चिम बिहार, ऑक्सीजन की किल्लत है। सिचुएशन खराब है और खराब नहीं है, भयावह है। लोगों के आंसू थम नहीं रहे हैं। लोगों के अगर आंसू थम नहीं रहे हैं तो सरकारें कैसे चैन से बैठ सकती हैं? नेता कैसे रात को आराम से सो सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। आज तक पर भी इस मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता संबित पात्रा से सवाल किए, जिस पर संबित सरकार के कामों का जिक्र करने लगे और ऑक्सीजन की कमी पर सरकार की तैयारी का जिक्र भी किया। पर संबित के जवाब के बाद एंकर ने अपने तीखे सवालों में संबित को घेर लिया। क्या आप ये मानते हैं संबित जी कि हमारे देश में ऑक्सीजन संकट है? जाएंगे 50,000 टन मेट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों से यहाँ इंपोर्ट किया जाएगा, नंबर एक। सभी एक्सपोर्ट बंद किए जाएंगे। केवल 9 ऐसे इंडस्ट्री हैं जो एसेंशियल है, जिनको ऑक्सीजन सप्लाई अलाउड होगा। बाकी उद्योग के लिए जो भी ऑक्सीजन लगता था इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, वो सारे मेडिकल पर्पस के लिए डाइवर्ट कर दिए गए हैं। जो भविष्य का आपने प्लान बताया है संबित जी, वो राहत देता है, लेकिन आज की स्थिति पर आपने कोई बात नहीं। कोरोना की पहली लहर के बाद आशंका थी दूसरी लहर की, उसके लिए हमें जो तैयारी हमारी जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को करनी चाहिए थी, उस पर आपने कोई बात नहीं की। संबित जी, अगर एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से आज मर रहा है तो क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही है संबित जी? और क्या आज आप ये दिल पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है संबित जी? एबीपी न्यूज पर भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता से ऑक्सीजन की कमी पर सरकार कितनी चिंतित है, इस पर सवाल किए, जिस पर नेता विपक्ष की आलोचना करने लगे, पर एंकर ने उन्हें अपनी पार्टी पर जवाब देने को कहा। सच में जनता गुस्से में है। जब आपके परिवार का आदमी दम घुटता हुआ आपके सामने नजर आ रहा होता है, तो फिर कोई वोट कोई सरकार नहीं दिखाई देती है।
कोई कमी अगर रह जाएगी तो सहयोग बढ़ाएंगे, लेकिन हर भारतीय नागरिक की जान बचाएंगे। कब बचाएंगे? आपने क्यों ऐसा है कि 15 सेकंड में आप सोचती हैं कि एक प्रवक्ता पूरी बात रख देगा? अरे आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मैंने मना किया, आपको वोट चाहिए, आपको वोट मिलता है, आपको जनता का भरोसा चाहिए, आपको जनता का भरोसा मिलता है, और उसके बाद आप ये बोलते हैं कि नहीं मुझे तो पूरा टाइम दे दो, मैं बात करना चाहता हूँ, मुझसे सवाल ना पूछे जाए। अरे क्यों ना पूछे जाए आपसे सवाल, मुझे बताइए ना। मैंने पहला सवाल पूछा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बताइए मुझे, एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, तीन हफ्ते बाद, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने आपको जवाब नहीं दिया। मुझे बताइए ना कब कब ये समस्या खत्म होगी? हम कर जाएंगे, हम दिखा देंगे, हो जाएगा। अरे क्यों अब तक नहीं हो रहा है? साल भर हो गया है गौरव भाटिया। मीडिया जरूरी मुद्दे कम ही उठाता है और कम ही मुद्दों पर सरकार से सवाल करता है। इस बार मीडिया ने सही मुद्दे पर बीजेपी नेताओं से सवाल किए और हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया आगे भी ऐसे ही जरूरी मुद्दे उठाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।